सिद्धार्थ जी, आप वैसे तो बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, काफी पढ़ते भी होंगे, नई नई थीम ढूंढते हैं, फिर उसके हिसाब से आप बना के रहते हैं। कभी आपने एक वो टंग ट्विस्टर ट्राई किया है, सिटकी सिप ऐसा बोल के? नहीं अनिल जी, गुड मॉर्निंग, पर मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है। करके देखिएगा। वैसे आप, अभी मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोग, जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं और जितने भी एनालिस्ट हमें देख रहे हैं, सबने एक एक बार तो ट्राई कर लिया बोल के। दीप की आपने किया ना? तो जैसे हम बोलते थे वैसे तुरंत ऐसे आपको लगता है मैं भी ट्राई करके देखूं। किस किस से ट्राई किया, ईमानदारी से बताइएगा, बोल के दो तीन बार जय, या तो फिर सुना नहीं होगा इसका मतलब। तभी ओके। तो चलिए, सिद्धार्थ जी तैयार है हमारे साथ, अपने SIP स्टॉक्स के साथ, अपनी थीम के साथ। तो सिद्धार्थ जी, इस हफ्ते की थीम बताइए पहले। धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी, आज की जो थीम है वो आपके आसपास है, आप सभी के आसपास है, और आज का जो थीम का नाम है वो है नियर एंड डियर ब्रांड्स। नियर एंड डियर ब्रांड्स, ऐसी ब्रांड्स जो आपके लाइफ का हिस्सा है। डिमांड हाउसहोल्ड्स में तो बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया, अब लाइफ एकदम नॉर्मल हो गया है। डिमांड कंजम्पशन प्रोडक्ट्स का बढ़ रहा है। मिडिल क्लास 55% है आज, जो आने वाले समय में और बढ़ेंगे। ये मिडिल क्लास कंजम्पशन और सेविंग में दोनों में बिलीव करते हैं, और साथ ही साथ ये मिडिल क्लास जो एस्पायरिंग है वो बड़े इन्वेस्टर्स भी है, अपना बिजनेस को बढ़ाना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं सेविंग के रूप में करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड्स। तो आज का जो थीम है वो है नियर एंड डियर ब्रांड्स। ओके, नियर एंड डियर आपके आसपास। मुझे लगा दीप से जुड़ी हुई कोई ब्रांड बता रहे हैं पहले, मेरे को ऐसा लगा, मतलब आपके आसपास की कोई ब्रांड है। मैंने कहा मेरे आसपास में तो दीप ही बैठे हैं, लेकिन चलिए कोई नियर एंड डियर हमारी ब्रांड्स जो हमें पसंद है, जो हम अपने आसपास में देखते हैं। बताएं सिद्धार्थ जी, कौन से स्टॉक्स हैं, कितने खरीदने, कितने रिटर्न के लिए, क्या क्या प्रोपोर्शन में खरीदने, वो भी बताइए। बिल्कुल, चार कंपनियां खरीदनी है, प्रपोर्शन भी बता देता हूं। पहली कंपनी होगी कोटक बैंक। कोटक बैंक जिसका टारगेट होगा 2050 का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। ये बहुत पावरफुल ब्रांड है, बैंकिंग फ्रेंचाइज है। एडवांसेस 18%, NII ग्रोथ 12%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी दमदार, कासा दमदार, और कोटक बैंक आपके आसपास तो जरूर मिलेंगे। दूसरी कंपनी होगी दमदार स्टॉक, जिससे लोग बहुत परेशान है बट अब चलने के लिए राजी है, वो है ITC। ITC 285 के टारगेट के लिए खरीदे, 30 रुपए लगाए 100 रुपए में से। अब ब्रांड्स की क्या बात करें, ब्रांड्स तो आपको पता है, सेकंड बिगेस्ट FMCG कंपनी सनफीस्ट आपके घरों में है, आशीर्वाद आटा आपके घरों में है, सेवलॉन, एंगेज परफ्यूम और बहुत कुछ, होटल इंडस्ट्री, सिगरेट तो है ही बहुत बड़ा। तो ये है ITC। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस भी काफी अच्छा कर रहा है, और हाँ, डी मर्जर की तो बहुत बड़ी स्टोरी चली रही है, रिकवरी होती है सेल्स और मार्जिन्स में। ITC पे जरूर खरीदारी करें, अब मौका आया है 285 के टारगेट के लिए। तीसरी कंपनी होगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की सब ब्रांड्स तो बहुत सारी है, चाय, कॉफी, पानी इत्यादि इत्यादि, पर स्टारबक्स तो आपके आसपास ही है। 230 से ज्यादा स्टारबक्स की JV करके टाटा कंज्यूमर बैठे हैं। 2000 रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, टाटा संपन्न जो पल्सेस स्पाइसेस को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और टाटा कॉफी का विलय होने के बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आपके किचन में सब जगह पाया जाएगा। टारगेट 904 का, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। अंतिम 20 रुपए कहाँ लगाने हैं, अच्छा पहनना, आदित्य बिरला फैशन और रिटेल, ABFRL। टारगेट 349, अंतिम 20 रुपए लगाने हैं। ब्रांड्स सुन के मजा आ जाएगा, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, पैंटलून्स, और क्या क्या ब्रांड्स देंगे। 2,2800 से ज्यादा ब्रांड स्टोर्स, 15% CAGR ग्रोथ से कंपनी ग्रो हो रही है। रीबॉक की डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स इंडिया में ABFRL के पास है। रीबॉक शूज, हेल्दी कैश फ्लोज, और 100 पैंटलून स्टोर्स का एक्सपेंशन प्रतिवर्ष करने वाली है ABFRL। बहुत ही बेहतरीन ब्रांड ABFRL, टारगेट 349, अंतिम के 20 रुपए लगाने हैं। ये सारे ब्रांड्स आपके नियर एंड डियर हो सकते हैं। जैसे अनिल जी और जी बिजनेस हमारा नियर एंड डियर ब्रांड है, वैसे ही ये सारे ब्रांड्स नियर एंड डियर ब्रांड्स है, आपके आसपास जरूर खरीदे। ओके अच्छा, एक चीज बताइए सिद्धार्थ जी, बाकी ITC में तो चलो मान ले एक ब्रांड छोड़ भी दो जो आप रिकमेंड करेंगे, हाँ आटा, बिस्किट्स,
परफ्यूम्स, ये सारे बाकी ब्रांड्स तो हैं, टाटा कंज्यूमर भी है, एबी फैशन भी, कोटक महिंद्रा बैंक इसमें कैसे घुसाया आपने? अनिल जी देखिए, ये भी आज मिडिल क्लास जो इनकम कमा रहे हैं, हाँ, जो अपने पास इनकम है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप कोटक के पास म्यूचुअल फंड बिजनेस है, इंश्योरेंस है, तो अच्छा। कोटक महिंद्रा बैंक से लोन देंगे और ब्रांड आपके आसपास ही है और सबसे डियर वाली ब्रांड है। अब समझा, मैं वही सोचा था, मैंने कहा कोटक महिंद्रा बिल्कुल ठीक है। तो ये है वो बेहतरीन ब्रांड्स, नियर एंड डियर ब्रांड्स, ये है सिद्धार्थ जी की SIP सिप, सिप सिड की सिप। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बेहतरीन सिप हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।